और जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह जो कार्यक्रम है किया गया है, आओ कीर्तन करें। और एक बार मैं पूरा दृश्य आपको दिखा लेना चाहूँगा किस तरह का जो भजन संध्या का जो आयोजन किया गया है, आओ कीर्तन जो बना हुए हैं किसान का, और पूरा दृश्य आप देख सकते हैं किस तरह जो यहाँ का माहौल है। और सुदामा जी मेरे साथ उपस्थित है, क्या कहेंगे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, दूसरा दिन है, क्या कहेंगे आज? ललन जी, सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। और बड़ा ही उत्साह का माहौल है। दो दिन का ये जो आओ कीर्तन करें नामक बाबा के कीर्तन का ये आयोजन तिनसुकिया में जो ये हुआ है, ये अद्वितीय हुआ है और बड़ा ही आनंद का माहौल। कल भी बरसा, कल भी बड़ा ही बाबा का कृपा बरसी यहाँ, और आज भी ऐसे ही बाबा की अपार कृपा यहाँ बरस रही है। बड़ा आनंद का माहौल है और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि श्री श्याम मंदिर के महंत श्यामलीन महंत श्री किशोरीदास जी महाराज, मेरे पूज्य पिताजी, उनकी बताए हुए मार्ग पर, उनके दिए हुए सदमार्ग पर हम चलकर बाबा के नाम की अलख ऐसे ही जगाते रहे और बाबा की सेवा में ऐसे ही लगे रहे, बाबा के चरणों से लगे रहे, ऐसी मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ। और समस्त तिनसुकिया वासियों को, समस्त तिनसुकिया के श्याम भक्तों को, सभी धार्मिक जनों को और आसपास के अंचलों को जो कि दो दिन से लगातार यहाँ पर आकर आनंद लूट रहे हैं, साथ ही मानव कल्याण ट्रस्ट का, साथ ही प्रशासन का, आप मीडिया कर्मियों का, सबका मैं श्री श्याम मंदिर की तरफ से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक आदमी के बस की बात नहीं होती है। समस्त समाज जब जुटता है तब ऐसा भव्य आयोजन होता है। तो सभी का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। जय श्री श्याम मंदिर श्याम जो तिनसुकिया के अमावस्या के इस कीर्तन को विगत 3 से 4 महीने से तिनसुकिया श्याम मंदिर के जितने भी प्रेमी हैं सभी विशेष तैयारियों में लगे हुए थे। काफ़ी सारे लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है इससे, जैसे हमारे जितने प्रेमी हैं 3 से 4 महीने से तैयारियां कर रहे थे, उनके अलावा हमारे रमन सर, रमन जी जैसे मानव कल्याण के ट्रस्टी जी जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी समर्थन किया। मानव कल्याण से हमें जितनी सहायता मिल सकती थी इस कीर्तन में मिली है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी सहयोग रहा है इसमें। तो और ये कॉन्सेप्ट आप जैसे आपने देखा होगा, ये सारा महाभारत के थीम पर बना हुआ है कि बाबा ने किस तरह शीश का दान दिया, वो सारा कॉन्सेप्ट दर्शाते हुए इसमें काफ़ी सारे लोगों को मेहनत करें। रोशन जी हमारे साथ उपस्थित, और थोड़ा आपसे जान लेना चाहूँगा, 2 दिनों का कार्यक्रम रहा, हालांकि 12वां एडिशन है और 12वां साल कहे तो गलत नहीं होगा, क्या कहेंगे, कितनी सफल है जो आज का कार्यक्रम? ललन जी, सबसे पहले तो आपने जो इस कार्यक्रम की अहमियत को समझा और जन जन तक इसको पहुंचाने के लिए जो आपने प्रयास किया है, पहले तो सबसे पहले मैं आपके प्रयास को धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से आपका ये स्वभाव है, जब भी कहीं धार्मिक कृत्य होता है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, सबसे पहले एक धर्म ध्वजा को लेकर आप सबसे पहले पहुंचने वाले होते हैं, इसलिए सर्वप्रथम आपको धन्यवाद। जहाँ तक विषय इस कार्यक्रम का है तो आप जानते हैं कि 11 और 12 दो दिनों का ये कार्यक्रम तय किया गया था, और आपने ही बताया, जैसे कि सभी जानते हैं 12वां संस्करण है ये हमारा, और इस कार्यक्रम में पूरे भारत से जो यहाँ अपनी कला को प्रस्तुत करने आ रहे हैं, उनमें अभी मेरे पीछे जो संबोधन दे रहे हैं वे श्याम जगत के मूर्धन्य श्याम भजन के लेखक विनोद जी गाड़ोदिया, जिनको हम बिन्नू जी के नाम से जानते हैं, आप हैं। जाने कितने ही कलाकार भजन गायक बिन्नू जी के भजनों को गाकर आज शिखर पर पहुंच चुके हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय बिन्नू जी 2 दिनों तक हमारे बीच रहने वाले हैं और हम उनका भजन भी सुन रहे हैं। हमारे बीच इस कार्यक्रम में अभिषेक माधव शर्मा जो कोलकाता से हैं, शुभम ठाकरान जो गुड़गांव हरियाणा से हैं, महेश परमार जो जयपुर राजस्थान से हैं, डिंपल अग्रवाल जो कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, नितेश शर्मा गोलू कोलकाता से हैं, विवेक शर्मा आप भी कोलकाता से हैं, आप यहाँ 2 दिनों तक 1 दर्जन से अधिक हमारे कलाकार
इस कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस, अपनी प्रस्तुति यहाँ देने वाले हैं। और श्याम भजनों की जो एक माला है वो आप देखेंगे कि यहाँ एक के बाद एक पिरोई जा रही है। मैं आपको बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि यह कार्यक्रम तिनसुकिया के धार्मिक जगत में, विशेषकर कीर्तन की जगत में एक अनूठा और अद्वितीय कार्यक्रम बताया जा रहा है। और इस कार्य के लिए जैसा कि अभी आदरणीय दिनेश जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किया है और ये उसी का परिणाम है। व्यवस्था की दृष्टि से आपने देखा होगा, हमने हमारे मुख्य द्वार पर ही भारतीय संस्कृति के अनुसार भक्तों का सम्मान करने की एक व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत उनके प्रवेश करते ही श्याम नाम का दुपट्टा और बाबा श्याम का खजाना तथा मस्तक पर हम जो है तिलक लगाने का एक पुनित कार्य कर रहे हैं। और उसके पश्चात अंदर दरबार में आकर वे बाबा का मोर छड़ी का झाड़ा और बाबा की ज्योत का दर्शन कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में नरेश पुनिया म्यूजिकल ग्रुप, जो कि श्याम जगत और भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल ग्रुप के नाम से जानी जाती है, आज वो यहां अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि कार्यक्रम में विगत दो दिनों में लगभग 8,000 से अधिक लोगों ने श्री श्याम बाबा का प्रसाद ग्रहण किया है। मैं बड़े हर्ष के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि तिनसुकिया धार्मिक नगरी है और इस नगरी के धर्म प्रचार में जो अवदान है वो किसी से छुपा नहीं है। मैं प्रभु से अरदास करूँगा कि प्रभु तिनसुकिया के साथ साथ पूरे असम पर अपनी कृपा बरसाएं और यहाँ सभी लोगों के दुख तकलीफें दूर करें तथा धन की वर्षा हो, सभी सुखी हों, मैं यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। और एक बार पीछे का मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा और किस तरह का जो कार्यक्रम है आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पीछे का जो दृश्य आपको और चारों तरफ किस तरह जो भीड़ है, शाम भर में उपस्थित है, पीछे का जो दृश्य मैं एक बार दिखाना चाहूँगा किस तरह जो आज है बाबा के यहाँ देखी जा रही है। हमारा भी कोशिश रहा है, हमारा भी प्रयास रहा है कि इस कार्यक्रम को देना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो तक पहुँचा है। इसी उद्देश्य से आज हम यहाँ उपस्थित रहते हैं और एक एपिसोड और एक कार्यक्रम के साथ हम आपको देख रही है।